ये फिल्म किस फ्रीडम फाइटर के ऊपर बेस्ड है, इस फिल्म में किस तरह की कहानी दिखाई जाएगी। ऑडियंस एस एस राजमौली को साउथ की फिल्म का गुरु के नाम से सभी जानते हैं। लोगों ने उनकी फिल्म क्रिएशन का अद्भुत एग्जाम्पल उनकी फिल्म बाहुबली सीरीज और मकदीरा जैसे फिल्म के उन्हें देखा है। आज हम उनकी एक फिल्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि उनकी आइकॉनिक क्रिएशन की बात करेंगे, जिसे इस साल के एंड तक रिलीज किया जाएगा। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर एस एस राजमौली द्वारा डायरेक्टेड और डीवीवी दनिया और डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म आर की बात करेंगे, जहां हमें इस फिल्म में एक फिक्शनल स्टोरी के थ्रू फ्रीडम फाइटर अरूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी देखने को मिलेगी। इस फिल्म में हमें फ्रीडम फाइटर अरूरी सीताराम की कहानी देखेंगे कि कैसे उन्होंने ट्राइबल पीपल के साथ उन्होंने अपनी हेल्प की थी और कैसे उनके साथ वो खड़े रहे थे और उन्हें ट्रेडिशनल पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम की तरफ प्रोत्साहित करते हैं। और इतना ही नहीं, अरूरी ने रैम्पा रेबेलियन की 1922 में कैसे स्टार्ट किया था, आदिवासी जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जिन्होंने ईस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम के लिए ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ाई की थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म में अलॉन्ग साइड एक अलग फ्रीडम फाइटर की कहानी दिखाई जाएगी, जहां हम कोमाराम भीम की कहानी देखेंगे, जहां वो गोंड ट्राइब के लीडर होते हैं और कैसे वो सभी को न्याय दिलाते हैं और हैदराबाद के निजाम से हैदराबाद की आजादी के लिए लड़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, फ्रीडम फाइटर कोमाराम भीम ने एक स्लोगन जल जंगल जमीन दी, जिसे लोगों ने हमेशा याद रखा। हालांकि ये दोनों कहानी अलग अलग है, लेकिन इसे एक स्टोरी लाइन में प्रेजेंट किया गया है, जहां में अलूरी सीताराम राजू के रोल में एक्टर रामचरण और कोमाराम भीम के रोल में एक्टर एनटी रामाराव जूनियर नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म में हमें एक्टर अजय देवगन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। इस फिल्म में कोर आइडिया है द मोटरसाइकिल डायरीज से लिया गया है, जहां डायरेक्टर उस फिल्म के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, कि कैसे वो एक रेवोल्यूशनरी रोल लेता है और ट्रांसफॉर्म होते हैं, कैसे सारे प्रोटैगनिस्ट के आगे पीछे कहानी चलती है। हालांकि डायरेक्टर आरआरआर से इस बात की कल्पना करते हैं कि क्या ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे, अगर ये मिले तो क्या होता है, क्या दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की जिंदगी की कहानी एक दूसरे के रास्ते में आएगी आएगी। हालांकि इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है फर्स्ट हाफ में, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म को सारी शूटिंग पोस्टपोन करनी पड़ गई थी और इस फिल्म की एक्सपेक्टेड रिलीज हो सकती है इस साल का एंड। लेकिन आप घबराए ना, इस फिल्म से रिलेटेड सारी छोटी सी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।